क्वेश्चन 16 एक्सरसाइज 6.3 आपके सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, इसके अंदर ए डी और पी एम मीडियंस यानी माध्यिकाएं हैं। वेन ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, क्या ये समरूप है? ये समरूप का निशान है। इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर समरूप है, ये दोनों ट्राइंगल्स समरूप हैं। आपको प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू इसका इसका रेशियो और ए डी और पी एम का रेशियो इक्वल है। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर ये जो त्रिभुज है इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये जो कोण बी है और ये जो कोण क्यू है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल समरूप है, इसलिए कोण ए बी इक्वल टू कोण पी क्यू आर। ओके, उसके बाद में देखिए, क्योंकि ए बी और पी क्यू ये दोनों दोनों जो है समरूप हैं, और बी सी यानी ये बी सी और क्यू आर ये भी एक ही रेशियो में है, ए बी अपॉन पी क्यू इस दोनों दोनों क्योंकि दोनों 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 त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए ए बी और पी क्यू का रेशियो समान है। ए बी और पी क्यू का रेशियो है वही रेशियो बी सी और क्यू आर का है, ठीक है, उसी अनुपात के अंदर है। अगर हम इसको हमको क्या करना है, ए बी और पी क्यू को तो हमारे पास में है, ए डी और पी एम, ये जो ए डी और ऑब्लिक पी एम है वो भी इसके प्रोपोर्शन में है, ये याद करना है। तो हमें इसके इसका लाने के लिए ये जो रेखा है ए डी है ये बी सी की आधी है, यानी ये जो मिड पॉइंट है, यानी बी सी के दो बाकी हैं, एक हो गया बी डी, एक हो गया बी ओ और एक हो गया ओ सी। इसी प्रकार से यहां पर भी जो है क्यू एम और एम आर इसके दो भाग हो गए, यानी इसका आधा हो गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी ए बी अपॉन पी क्यू ये जो रेखा है ये इसकी बजाय इसका आधा कर दो, यहां बी बी सी अपॉन क्यू आर किया है, या बी सी अपॉन क्यू आर का आधा हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का आधा और बी सी का आधा, उसका भी प्रोपोर्शन वही होगा क्योंकि दोनों आधे आधे हैं, ये भी आधा है और ये भी आधा है, इसीलिए हम ये एक भी कह सकते हैं कि ए बी अपॉन इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी कहा है यहां आया, यानी बी डी हो गया इक्वल टू बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर यानी क्यू एम, यहां तक पहुंच गए हम, ये वाली रेखा और इस वाली रेखा का रेशियो इक्वल है। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, अब इस ट्राइंगल जो ए बी सी है इसके दो भाग हुए, एक हो गया ए बी डी, हम इसकी बात करेंगे और यहां पर इसकी बात करेंगे क्योंकि हमें ए डी अपॉन पी एम के बारे में पूछा गया है। तो इस ट्राइंगल की हम जब बात करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर ए बी अपॉन क्यू तो वही है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू तो सेम ही है, इस ट्राइंगल में भी है, इस आधे हाफ ट्राइंगल भी है, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, और इसके बराबर क्या होगा, ये जो कोण बी है और कोण क्यू है ये इक्वल है, कोण बी और इक्वल टू कोण क्यू, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, ये पूरे ट्राइंगल में भी है और इस हाफ ट्राइंगल में भी वही बात है, तो ये दोनों कोण इक्वल है, इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि ये कोण इक्वल है और ये रेखा भी इक्वल है, ये कोण भी इक्वल है और ये हाफ रेखा भी इक्वल है, इसीलिए हम कहेंगे कि ए डी और पी एम का रेशियो भी वही है, इसीलिए हम कहेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये और ये किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एम के अनुपात में है, क्यों,
कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला और ये वाला, आप जो ट्राइंगल्स है दोनों सिमिलर है और सिमिलर होने के इसके सभी साइडें जो है उसकी आपस के अंदर समान है, यानी इस साइड के बराबर ये साइड है और बी डी के बराबर ये, ए डी के बराबर पी एम है। क्लियर? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।